नमस्ते साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है मैं डेली इस पे 15 से 20 मिनट के एक वीडियो डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज का अपना सेशन है प्रदीप्ति, जिससे दोस्तों हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आप सबको पता होगा तथा दोस्तों इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 से 2 यूनिट आती ही आती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की कोई भी एग्जाम हो, अपने आइडिया से रिलेटेड जो भी एग्जाम होती है कॉम्पिटिशन बेस पे, इससे संबंधित वहाँ से यूनिट पूछता ही साथियों, है ना, ये आपको पता होगा। तो आप सबको पता है आगामी एग्जाम अपनी DRDO, MPTO तथा UPSC, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, ये आपके लिए क्लास मोस्ट बेस्ट होने वाली है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपको एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप सब लोगों ने बहुत सारा ये सब चीज तो पढ़ लिया होगा, लेकिन उनसे जो शॉर्ट नोट्स निकलती, मतलब आप जब उसका निचोड़ निकालते हैं ना, उसके बाद का यह सब यहाँ पे चीज आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इसमें देखिए ऑनलाइन क्वेश्चन है साथियों, क्या बोलना चाह रहा है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों बैगनी, मतलब इसको बोलते हैं साथियों बेजानी हफिलाना, जिसमें क्या होता है 7 रंग होते हैं, जिसको इंग्लिश में वीप गेयर बोलते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल का मिश्रण होता है, ये आपको पता होगा। इसको बेजानी हफिलाना भी बोलते हैं, आपको याद रखने की ट्रिक है, फिर वीप गेयर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अपने प्रदीप्ति का, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है प्रदीप्ति पुंज। अब पहली बात, जो प्रदीप्ति पुंज होता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इल्यूमिनेशन फ्लक्स बोलते हैं, फिर ज्योति फ्लक्स का, फिर प्रदीप्ति पुंज है ना, इसकी इकाई क्या होती है तथा इसका प्रतीक क्या होता है। तो दोस्तों, जो अपना प्रदीप्ति पुंज होता है, इसका जो प्रतीक होता है, इसे यफ से दर्शाते हैं, या फिर आपको यह नहीं दिया हुआ तो फाई दिया हुआ, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है साथी, इसकी इकाई होती है ल्यूमन, क्या होती साथियों, लूमन, इसकी इकाई होती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, इसको कैसे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं या फिर फाई से दर्शाते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, लूमन। चलिए, इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डेफिनेशन दे देता है और पूछता है निम्न में से ये किसकी परिभाषा या फिर ऐसा बोल देगा। तो देखिए, जो प्रदीप्ति पुंज होता है वह क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा प्रदीप्ति पुंज कहलाती, इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं या फिर इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, फाई से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्या क्लियर हो गया होगा, प्रदीप्ति पुंज। आगे देखिए साथियों, इसमें नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट अपना प्रदीप्ति तीव्रता, जिसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों हिंदी में, ज्योति तीव्रता बोलते हैं, आप सबको पता होगा, इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी आपको पता होगा, है ना, प्रदीप्ति इसको बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता, इसका प्रतीक देखिए आप देख पा रहे होंगे, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तथा इसका जो मात्रक होता है क्या होता है साथियों, कैंडला होता है, आपको पता होगा आई क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको आई से प्रदर्शित करते इसका मात्रक क्या आ जाएगा, कैंडला आ जाएगा, ठीक है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो एक कैंडला बराबर क्या होता है, तो एक कैंडला बराबर साथियों क्या होता है, एक लूमन, क्या हो जाएगा, एक लूमन प्रति स्टेरेडियन होता है, एक कैंडला बराबर क्या होता है साथियों, एक लूमन प्रति स्टेरेडियन होता है, यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी पता होना चाहिए क्या होता है, एक कैंडला बराबर एक लूमन प्रति स्टेरेडियन होता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इसमें आपको पता हो गया प्रदीप्ति तीव्रता का प्रतीक आई है तथा इसका मात्रक क्या है, कैंडला है। आगे देखिए साथी, इसके नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है साथी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक कैंडला बराबर एक ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आगे देखिए साथियों, प्रदीप्ति का प्रतीक क्या होता है, प्रदीप्ति, व्हाट इज प्रदीप्ति, इसकी भी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसका मात्रक पता होना चाहिए। जो प्रदीप्ति होती है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, लक्स होता है। एक लक्स बराबर क्या होता है साथियों, एक लक्स बराबर होता है एक लूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो ई होता है ना, ये ई क्या हो गया अपना, प्रदीप्ति हो गया ना, प्रदीप्ति का प्रतीक हो गया, ई बराबर क्या होता है साथियों, आई अपॉन के डी का स्क्वायर हो जाएगा, यह आपको पता होगा या फिर पता होना चाहिए, ठीक है। तो जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसकी साथियों, प्रदीप्ति की। तो प्रदीप्ति क्या कहलाती है, प्रकाशीय तल पर इकाई क्षेत्रफल पर
प्रकाशी तल पर इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में पड़ने वाला प्रकाश की मात्रा क्या कहलाती है दोस्तों? प्रदीप्ति कहलाती है। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा निचोड़ लिखे हुआ है इसमें। जो प्रदीप्ति से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, जितने हर बार एग्जाम में आए हुए पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए डाला गया है। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर पर जलने वाली मोमबत्ती एक मानक मोमबत्ती कहलाती है। वो पूछता है कि एक मानक मोमबत्ती का जो होता है मान कितना होता है? तो 7.776 ग्राम प्रति हावर होता है। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें। क्वेश्चन अपना प्रदीप्ति दक्षता को कायम नापते, जो प्रदीप्ति की जो दक्षता होती है ना, एफिशिएंसी कायम होती है लूमन प्रति वाट में होती है। साथियों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है प्रदीप्ति दक्षता को ल्यूमन प्रति वाट में मापा जाता है तथा इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। किसी प्रकाशित तल पर पड़ने वाली या फिर पहुंचने वाली, ठीक है, किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल, प्रदीप्ति मीन्स क्या होता है? देखिए ई होता है ना, आपको पता है अभी मैंने बताया था आपको प्रदीप्ति को कैसे प्रदर्शित करते, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसके अभी डेफिनेशन जो बनेंगे उसके अनुसार इसका हम फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती, मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, तथा प्रदीप्ति तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता क्या होता है दोस्तों? आई होता है ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो ज्योति तीव्रता होती है प्रदीप्ति तीव्रता उसको कैसे दर्शाते, आई से दर्शाते। तो प्रदीप्ति तीव्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो भैया आई बराबर क्या हो जाएगा? प्रदीप्ति तीव्रता मतलब क्या हो जाएगा? आई अपान के क्या हो जाएगा? तथा उसके बीच की दूरी जो थी अभी आपने बताया पढ़ा था यहाँ पे वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती मतलब डी के, इसके बजाय ये तो यहां पे क्या जाएगा दोस्तों? ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा, जो ई प्रोपोर्शनल आई अपॉन के डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिखिएगा आप इसे, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ये फॉर्मूला। ये प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई अपॉन के डी का स्क्वायर होता है, जहां पे आई क्या है दोस्तों? प्रदीप्ति की तीव्रता मतलब ज्योति तीव्रता है, जो क्या होता है? प्रदीप्ति के समानुपाती। और जो प्रदीप्ति होती दोस्तों वो क्या होता है? स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन अपना कि प्रकाश की प्रत्यक्ष व्यवस्था में, जो प्रत्यक्ष व्यवस्था होती है ना, तो उसमें क्या होता है? जो प्रकाश होता है दोस्तों, 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है, ठीक है, 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है तथा 10% प्रकाश इधर उधर फैल जाता है। ये कौन सी व्यवस्था कहलाती है? प्रकाश की प्रत्यक्ष व्यवस्था कहलाती है। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। अप्रत्यक्ष प्रकाश, सॉरी आगे देखिए, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में 60% से 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है फर्श पे, है ना, तथा बाकी जो होता है ना वो इधर उधर फैल जाता है। 60% से 90% प्रकाश नीचे फर्श की ओर आता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें। आगे साथियों देखिए, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में केवल अप्रत्यक्ष, देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में केवल 10% प्रकाश ही नीचे की फर्श की, मतलब नीचे होता है जो फर्श होती है ना, फर्श की ओर आता है तथा 90% प्रकाश भाग ऊपर छत की ओर परावर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है। जिस लैंप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों उत्पन्न करे उसे इनकैंडेसेंट लैंप बोलते हैं। अभी जानेंगे आगे इनकैंडेसेंट लैंप कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है उसके बारे में। तो जिस लैंप में विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित करते तो उसमें ऊष्मा, देखिए क्या बोला, ऊष्मा हीट तथा प्रकाश दोनों ही उत्पन्न होते उसे इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं। आगे देखिए साथियों उसमें क्या बोलना चाह रहा है। इनकैंडेसेंट लैंप कितने प्रकार के होते हैं? भैया 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन से होते हैं इनकैंडेसेंट लैंप, कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2 प्रकार के होते हैं ना। तो कौन से होते हैं? एक कार्बन फिलामेंट लैंप होता है, उसमें क्या होता है? कार्बन फिलामेंट लैंप इसलिए उसे बोला जाता है क्योंकि जो उसमें जो फिलामेंट बना होता है वह कार्बन का बना होता है भैया। तथा दूसरा क्या होता है? धात्विक फिलामेंट लैंप बना होता है। तो धात्विक फिलामेंट लैंप क्यों बोल रहे हैं हम उसे? क्योंकि जो उसका तंतु है वह क्या होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते, जो टंगस्टन होता है ना दोस्तों, उसका परमाणु कितना होता है? 74 होता था। जैसे गलनांक कितना होता है दोस्तों? एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों इसीलिए हम उसको, क्योंकि जो टंगस्टन है ना एक धातु है ना, इसलिए उसको बोलते हैं धात्विक फिलामेंट बोलते हैं। देखेंगे आगे इसमें क्या बोलना चाह रहा है।
आगे देखिए क्वेश्चन अपना, धात्विक फिलामेंट लैंप फिर क्या होते हैं, वह भी दो प्रकार के होते हैं भैया। तो देखिए कौन सा होता है, निर्वात लैंप मतलब कि वैक्यूम, उसमें क्या होता है किसी भी प्रकार की गैस भरी नहीं होती। आगे देखिए गैस भरा लैंप मतलब कि उस जो लैंप होता है ना उसके अंदर में ना गैस भरी होती है। आगे जानेंगे कौन सी गैस भरी होती है क्योंकि एग्जाम में वह भी पूछता है। आगे देखिए क्वेश्चन है अपना, इनकैंडेसेंट लैंप में फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब को निर्वात कर दिया जाता है। मतलब जो इनकैंडेसेंट लैंप था भैया उसने क्या किया था, उसमें देखिए ऑक्सीकरण को रोकने के लिए ना उसे निर्वात बनाया जाता था, मतलब कि उससे जो भी गैसें नहीं भरा जाता था उसमें। क्यों नहीं भरा जाता, पहली बात क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि इनकैंडेसेंट लैंप में जो निर्वात लैंप होता है उसको निर्वात क्यों बनाया जाता है, ताकि हम ऑक्सीकरण को रोक सके, इसीलिए उसे निर्वात बनाया जाता है। आगे देखिए भैया क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन अपना, कोई तंतु 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होता है तो प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब कोई तंतु मतलब कि फिलामेंट है ना 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होता है तो वह प्रकाश व ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, फिलामेंट लैंप का आविष्कार किसने किया था भैया, जितने भी आईटी वाले बंदे सबको पता है ना किसने किया था भैया, थॉमस अल्वा एडिशन ने किया था। कौन थे भैया ये वैज्ञानिक थे, जो कई बार क्या हुआ था इनके साथ में पता होगा आपको, जब इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था दोस्तों यह क्या हुआ, ये 1000 बार फेल हुए थे उसको बनाने में, मतलब कि फिर भी उन्होंने उसका प्रैक्टिकल मतलब जारी रखा और फिर आखिर एक दिन वह सफल हो गए है ना। तो देखिए दोस्तों इन्होंने कितना अच्छा इन्वेंशन किया जिसमें अभी हम बैठ के सब पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पता है ना रात में जब पढ़ाई करते हैं तो काय में करते हैं, लाइट के उपस्थिति में करते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन थे अपने आविष्कार, कौन थे, थॉमस अल्वा एडिशन थे, ठीक है, कौन थे, थॉमस अल्वा एडिशन लैंप के आविष्कार। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है इसमें अपना, कार्बन फिलामेंट लैंप जो होता है ना, कार्बन फिलामेंट की जो दक्षता होती है, कार्बन फिलामेंट लैंप की जो दक्षता होती है वो कायम होती है दोस्तों, और कितनी होती है, वो होती 2.5 से 4 लूमन प्रति वाट होती है। देखिए भैया आप सबको पता होना चाहिए जो अपनी दक्षता होती किसकी, लैंप की कायम की जाती है, लूमन प्रति वाट में नापी जाती है। तो जो अपना कार्बन फिलामेंट लैंप होता है उसकी 2.5 से 4 लूमन प्रति वाट क्या होती है साथियों, दक्षता होती है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन अपना, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछेगा जो निर्वात होता है उसमें जो फिलामेंट होता है उसका कार्यकारी तापमान, जब मतलब प्रचालित तापमान पूछेगा आपको, तो बताना है दोस्तों कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तथा अपना और एक लैंप होता है गैस भरा लैंप जिसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना आगे, तो देखिए पीछे बताया था इसमें एक अपने पास में आया था ना यहाँ पे, देखिए गैस भरा लैंप आया था यहाँ पे, देखिए दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो होता है ना प्रचालन तापमान कितना होता है वह भी आपको पूछा जा सकता है। तो फिलामेंट का कार्यकारी तापमान कौन से गैस भरा का कितना होता है, 2500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है या फिर आपको इससे रिलेटेड डेली इसी टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लगता है कि धात्विक फिलामेंट लैंप में तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको अभी बताया था कि जो फिलामेंट बना होता है धात्विक काय का होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है जिसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिए साथियों, गैस भरा धात्विक इनकैंडेसेंट लैंप में निष्क्रिय गैस से भरी होती भैया कौन सी होती है, आर्गन गैस होती है, ठीक है, AR तथा नाइट्रोजन गैस भरी होती है, तथा इन दोनों का मिश्रण भी भरा होता है, मतलब इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों अगर एक साथ भरेंगे तो मिश्रण हो जाएगा है ना। तो देखिए क्या बोलना चाहिए, गैस भरे धात्विक इनकैंडेसेंट लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ में आर्गन तथा नाइट्रोजन गैस अथवा इन दोनों का मिश्रण भरा होता है। तो क्वेश्चन आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। देखते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथी, इसमें इनकैंडेसेंट लैंप में तंतु फिलामेंट को सहारा देने के लिए लगाई सपोर्ट वायर निकिल की बनी होती है। तो साथियों पता होना चाहिए आपको, आप सबको यह तो पता ही कि टंगस्टन धातु का फिलामेंट बना होता है, लेकिन इनकैंडेसेंट लैंप में फिलामेंट को सहारा देने के लिए लगाई सपोर्ट वायर निकिल की बनी होती भी याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है, और उस पर बोरेक्स नामक पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है, यह भी पता होना चाहिए साथियों। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है,
राइट। गैस डिस्चार्ज लैंप में दो प्रकार के होते हैं, मतलब जो गैस डिस्चार्ज हो लैंप होते हैं ना वह कितने प्रकार के होते हैं, तो वह होते हैं अपने प्रदीप्ति में इल्यूमिनेशन में, जैसे कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें होता है साथियों, सोडियम वेपर लैंप तथा मरकरी वेपर लैंप होता है। आगे देखिए मरकरी वेपर लैंप फिर क्या होता है, वह भी दो प्रकार के होते हैं, वह कौन से प्रकार के होते हैं साथियों, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप तथा लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है, मरकरी वेपर लैंप होता है ना, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं उठ के, ठीक है। आगे देखिए सोडियम वेपर लैंप की नली में सोडियम धातु के दाने या फिर इसको बोलते हैं क्रिस्टल या फिर उनके जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे वह भरे होते हैं तथा साथ में उसके नियॉन गैस भरी होती है। साथ ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका कि सोडियम वेपर लैंप की नली जो होती है, ट्यूब जो होती है ना, उसमें क्या क्या भरा होता है, तो सोडियम के दाने भरे होते हैं जिसे टुकड़े के रूप में होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है, और साथ में नियॉन गैस भरी होती है। आगे देखिए साथियों इसके बाद में क्या बोलना चाह रहा है, सोडियम वेपर लैंप को पूर्णतः प्रकाशित होने में, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है दोस्तों MPTO के पिछले जो अपना 2016 में एग्जाम होता है, इसके पहले के मैं एग्जाम का पेपर यहाँ पर डाल चुका हूँ, ठीक है। तो सोडियम उसमें पूछा था कि सोडियम वेपर लैंप का जो प्रचालित प्रकाश होता है ना, प्रकाश जो होता है किस कलर का होता है, तो आप सबको पता होगा पीला होता है, ठीक है। आगे देखिए अपने क्वेश्चन 10 में, सोडियम वेपर लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है, ठीक है। आगे देखिए भैया क्या बोलना चाह रहा है, सोडियम वेपर लैंप की कार्यकारी आयु 3500 कार्य घंटे होती है तथा इसे इसकी जो दक्षता होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 40 से 50 लूमन प्रति वाट तक प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, याद रखिएगा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है, 3500 कार्य घंटे कार्यकारी इसकी लैंप की कार्यकारी क्या होती है, आयु जो होती है, लाइफ जो होती है 3500 कार्य घंटे होती है, इसकी जो दक्षता होती है कितनी होती है, जो 40 से 50 लूमन प्रति वाट होती है, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, रोल याला है ना। आगे देखिए सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग सदैव क्षैतिज अवस्था में, मतलब कि हॉरिजेंटल में ही रखा जाता है, इसे कभी भी वर्टिकली मतलब कि ऐसा खड़ा नहीं रखा जाता, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा इसे क्या होता है दोस्तों, मतलब कि हॉरिजेंटली ही रखा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्षैतिज अवस्था में ही रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या होना चाह रहा है, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था में सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो सड़कों की प्रकाश व्यवस्था होती है ना उसमें सोडियम वेपर लैंप का यूज किया जाता है भैया। आगे देखिए सोडियम वेपर लैंप को कोल्ड कैथोड लो प्रेशर लैंप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उष्मक प्रकार का फिलामेंट नहीं किया जाता, ठीक है। क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, मरकरी वेपर लैंप के प्रकाश में किसी रंग का सही निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन आता है कई बार कि किस मतलब लैंप की उपस्थिति, किस लैंप के प्रकाश की उपस्थिति में किसी रंग का सही निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो वह दोस्तों अपना कौन सा है, मरकरी वेपर लैंप, ठीक है। आगे देखिए इसी में क्या बोलना चाह रहा है, मरकरी आर्गन, देखिए मरकरी वेपर लैंप अलग है, मरकरी आर्गन लैंप अलग है साथियों, देखिए क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, मरकरी आर्गन लैंप में सीधी घूमती हुई वस्तु उल्टी दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती है, कौन से इसमें मरकरी आर्गन, देखिए दोस्तों मरकरी आर्गन होता है, ठीक है, और एक होता है मरकरी वेपर, याद रखिएगा दोनों के दोनों अलग अलग लैंप है ना। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, फिर उसके बाद में इसी प्रभाव को स्ट्रोबोस्कोप प्रभाव कहते हैं, किसे बोलते भैया स्ट्रोबोस्कोप प्रभाव, कि जब मरकरी आर्गन लैंप होता है ना, तो मरकरी आर्गन लैंप में सीधी घूमती हुई वस्तु क्या होता है, उल्टी दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती है, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबोस्कोप कहते हैं। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, कि फ्लोरोसेंट ट्यूब एक लो प्रेशर मरकरी वेपर डिस्चार्ज लैंप है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है वह क्या दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता होगा ना उसमें मरकरी भरे होते हैं अंदर में, Hg जिसको बोलते हैं, Hg है ना मरकरी, एक लो प्रेशर मरकरी वेपर डिस्चार्ज लैंप है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूब की आंतरिक सतह पर मैग्नीशियम टंगस्टेट की परत चढ़ा दी जाती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखिएगा। आगे देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, कि फ्लोरोसेंट ट्यूब के तीन मुख्य घटक होते हैं, एक होता है स्टार्टर, आप सबको पता है स्टार्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। आगे देखिए चोक भी लगा होता है, और फ्लोरोसेंट ट्यूब ये खुद तो होगी ना, तभी से प्रकाश उत्पन्न होगा ना, मतलब प्रकाश दिया जाएगा ना, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त स्टार्टर, स्टार्टर क्या करता है भैया, तो स्टार्टर एक ऐसी स्विचिंग युक्ति है जो किसी परिपथ को एक मिनट में 20 से 25 बार ऑन ऑफ कर सकती है,
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखिए। फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त स्टार्टर में, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें स्टार्टर लगा होता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है भैया? हीलियम गैस भरी जाती है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दोस्तों यहाँ पे जो प्रदीप्ति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हर किसी को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन अपना बोलना चाह रहा है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक ब्लास्ट का प्रारंभिक कार्य उच्च उल्टता प्रेरित कर फिलामेंट को उष्मित करना होता है। तो दोस्तों जो उच्च उल्टता होता है ना, ये कितना होता है प्रारंभिक में, उसमें उसमें होता है 1100 वोल्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि जो चोक होता है ना वो स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है, तभी तो अपने उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना वो आयनाइज, जो गैस होती है ना आयनाइज हो जाती है ना, ठीक है। आगे देखिए इसमें, इसके बाद क्या दिया साथियों, फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक का दूसरा कार्य परिपथ में धारा को सीमित करना होता है, करंट को सीमित करना होता है, ठीक है। आगे देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब की अधिकतम लंबाई 1.5 मीटर या फिर 5 फुट होती है। आगे देखिए साथी इसमें क्या होने जा रहा है। फ्लोरोसेंट ट्यूब नली में 2.5 एमियम वायुमंडलीय दाब पर पारे की वाष्प, मतलब कि एच जो पारा होता है, मरकरी होता है, ठीक है, उसकी वाष्प तथा आर्गन गैस भरी होती है। आपको क्वेश्चन में पूछता है अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है उसमें क्या क्या भरा होता है साथियों, तो उसमें होता है एच जिसको हम पारा बोलते हैं ना, जो तरल रूप में पाया जाता है ना। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है इसमें, तथा आर्गन AR, ठीक है, यह गैस भरी हुई होती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, एक फ्लोरोसेंट नली में वाष्प की मात्रा लगभग 2.5 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम तक होती है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में लगे उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस वाले चोक के कारण फिलामेंट के बीच क्या होता है दोस्तों, 1000 वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न होता है। साथियों कहीं कहीं आपको यह 1100 भी देखने मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों उसके बाद में क्या पूछना चाह रहा है इसमें, देखिए कि फ्लोरोसेंट ट्यूब की चोक कभी कभी शोर पैदा करती है, तो इस दोष को हमिंग दोष कहते हैं। आपको पता होगा हमिंग की आवाज आती है, तो वो हमिंग के कारण आती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब दिन जैसा सफेद प्रकाश पैदा करता है, आप सबको पता है, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की दक्षता कितनी होती है साथियों, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन अपना 60 लूमन प्रति वाट होती है, कितनी होती है भैया, 60 लूमन प्रति वाट होती है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तथा इसकी कार्यकारी आयु 7500 कार्य घंटे होती है, मतलब कि 7500 कार्य घंटे उच्च होती तक होती है ना, तक होती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चोक के पावर फैक्टर का मान 0.5 लैगिंग तक निम्न होता है भैया, देखिए याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ के समांतर क्रम में कैपेसिटर लगाया जाता है। देखिए जो कैपेसिटर होता है, पहली बात तो क्यों लगाया जाता है दोस्तों, यह जो पावर फैक्टर होता है ना उसको इंप्रूव करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब के वहां पर क्या होगा, उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे के साथ इसमें क्या बोलना चाह रहा है, चोक फ्लोरोसेंट ट्यूब के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, जो चोक होते हैं ना वो कहां होते हैं दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आप सबको पता होगा जब आपने इसका परिपथ बनाया होगा तो चोक जो होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आगे देखिए साथ इसके बाद में क्या बोलना चाह रहा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रकाश कंपन के प्रभाव उसके को दूर करने के लिए क्या करते हैं, दो फ्लोरोसेंट ट्यूब को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या बोलना है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रकाश कंपन के प्रभाव को दूर करने के लिए दो फ्लोरोसेंट ट्यूब को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, नियॉन लैंप का प्रयोग सूचक लैंप, मतलब इंडिकेटिंग लैंप जो होता है, फिर इंडिकेटर लैंप के रूप में किया जाता है। आप सबने देखा होगा जो अपने टेस्टर होते हैं ना, उनमें क्या होता है, नियॉन लैंप लगा होता है, जो हम फेस उसमें लगा तो इंडिकेट करता जलता है ना, तो इसका मतलब फिज आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद में क्या हो रहा है, क्वेश्चन अपना, नियॉन लैंप में नियॉन गैस भरी हुई होती है, देखिए याद रखिएगा, नियॉन लैंप याद रखने की कोई दिक्कत नहीं, देखिए नियॉन लैंप उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नियॉन गैस भरी जाती है, बस इतना सा याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, नियॉन साइन ट्यूब उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली विज्ञापन कार्यों में प्रयोग की जाती है, जो विज्ञापन मतलब जो दिखता है ना आपको डिजिटल वाला, इसमें तो उसमें क्या होता है, नियॉन साइन ट्यूब उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली विज्ञापन कार्यों में प्रयोग की जाने वाली विशेष आकृति में होती है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, नियॉन लैंप में 10 mm दाब पर नियॉन गैस भरी होती है, कि नियॉन गैस कितने इस पे भरी होती है, तो वो क्या होता है दोस्तों, 10 mm दाब पर नियॉन गैस भरी होती है। नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन
नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए 900 से 1000 वोल्ट प्रति मीटर लंबाई के हिसाब से 100 से 5000 वोल्ट तक उच्च वोल्टता की आवश्यकता होती है। साथियों याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है भी, आगे देखिए, नियॉन साइन ट्यूब की कार्यकारी आयु 10,000 घंटे होती तथा इसका उपयोग विज्ञापन कार्य में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो विज्ञापन कार्य के लिए किस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, नियॉन साइन ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन है अपना, इसमें देख पा रहे होगे आप, नियॉन साइन ट्यूब में दो पोल वाला आइसोलेटिंग स्विच प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आइसोलेटिंग स्विच को फायरमैन स्विच भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, नियॉन साइन ट्यूब में लाल रंग प्राप्त करने के लिए नियॉन गैस भरी जाती है। लाल रंग प्राप्त करना है तो कौन सी गैस भरेंगे भैया, नियॉन गैस भरेंगे। आगे देखिए, नारंगी लाल रंग प्राप्त करने के लिए नियॉन प्लस आर्गन गैस भरी जाती है। साथियों याद रखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए सब। ठीक है, आगे देखिए, नीला रंग प्राप्त करने के लिए पारे की वाष्प तथा हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। सुनहरी रंग प्राप्त करने के लिए साथियों नियॉन तथा हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, आर्क लैंप के इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, आर्क लैंप के इलेक्ट्रोड कार्बन के बनाए जाते हैं, जिनके मध्य 1.5 mm से 6 mm का गैप रखा जाता है। साथियों आपको यह पूछा जा सकता है कि जो आर्क लैंप के इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, कार्बन के बने हुए होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आर्क लैंप का उपयोग क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है आईटीआई में दोस्तों, कई बार अधिकतर पूछा जाता था कि जो आर्क लैंप होता है उसका उपयोग सिनेमा प्रोजेक्टर तथा सर्च लाइट में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, हेलोजन लैंप को क्वार्टज कांच की तंग नली में टंगस्टन का फिलामेंट स्थापित करके बनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, हेलोजन का अर्थ है आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन गैसें होती, मतलब जो हेलोजन होता है ना उसमें आयोडीन ब्रोमीन तथा क्लोरीन यह गैसें भरी हुई होती है, मतलब इसका बोलने का यह अर्थ है। ठीक है, आगे देखिए, हेलोजन लैंप को फ्लड लाइट लैंप भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए, हेलोजन लैंप का प्रयोग स्टेडियम, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन तथा प्रदर्शनी मेलों में किया जाता है। क्वेश्चन अच्छा है साथियों, आगे देखिए, किसी लड़ी में लैंपों को श्रेणी में जोड़ते समय लैंपों की संख्या कुल संख्या से 5% अधिक रखी जाती है। तो दोस्तों अपना ये अपना जो चैप्टर था आज का इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति, जिससे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने के लिए तैयार है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा, आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, तो दोस्तों आप सबने जो थ्योरी पढ़ के रखी होगी प्रदीप्ति की, तो उससे जो क्वेश्चन उठ के आने वाले थे इसमें पूरा इसमें मैंने निचोड़ यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना कि आप सबका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।